तो भूमि बचाने के लिए जो नए नए राज्यों में कानून, खास करके गुजरात राजस्थान से शुरुआत होकर और महाराष्ट्र में उसी कानून के 2013 के रूल्स नियम मात्र बनकर फिर से अध्यादेशों के तमाम मुद्दे लाए जा रहे कानूनी दायरे में, उसका कड़ा विरोध हर राजनीतिक दल में करना चाहिए, ये हमारा अपील रहा है। दूसरी बात, क्योंकि आदिवासियों को भी वन की जमीन देने की बात करें जिसमें सामूहिक वन अधिकार, सामूहिक संसाधनों का अधिकार सबसे अहम होना चाहिए, तो जमीन देने में कितनी हिचकिचा रही है सरकारें, ये पिछले 2006 से चल रहे संघर्ष से सबको मालूम है। गायरान पर, गौचर पर, चरागाह की भूमि पर घर बनाने वाले दलितों के भी घर, भूमिहीनों के भी घर बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये बात भी अभी अभी के महाराष्ट्र के एक लंबे सशक्त जन सैलाब जैसे जुलूस से स्पष्ट हो रही है। तो हर जगह जमीन देने की बात आती है तो सरकार तैयार नहीं है, पर छीनना वो जानती है, सुनना तक जानती नहीं है, ये चित्र उभर आया है। इस पर भूमिका आने वाले तमाम चुनावों के पहले बाहर जन आंदोलनों के मंचों पर लेने वाले राजनीतिक दल जरूर बड़ा जन समर्थन पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। चाहे वो शहर के भूमि की बात हो, चाहे वो ग्रामीण भूमि की बात हो, खेती के लिए तो खेती बचाना अन्यथा संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति घाटे का सौदा रखकर जो की है उसका विरोध हम लोग खुले तौर पर करते हैं। अगर घाटे का सौदा नहीं रखनी है तो जो हमें चाहिए उपज का सही दाम, वो डेढ़ गुना ही नहीं, ये बात अभी उभर आई देवराजन जी से भी और डोला सेन ने भी वो बात रखी। हम भी चाहते हैं कि सही दाम मिले, पर ये तो जिस प्रकार से फसाहट बजट के रूप में दिखा चुके हैं, C2 यानी पूंजी का भी अंश उन पर लगाने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो एक बाजू शपथ पत्र दे चुके हैं कि हमको तो पैसा देना इतना संभव नहीं है, ऋणमुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने उपज का सही दाम देने के लिए मार्केट इंटरवेंशन का बजट भी 950 करोड़ से 200 करोड़ तक लाने की साजिश करते हुए प्रचार प्रसार किसानों के झूठे किसानों का बजट जारी रखा है। इस पर हर राजनीतिक दल ने भूमिका लेना ही नहीं, अपनी भूमिका, उपज की लागत और दाम का कैसे हिसाब लगाया जाना वो चाहते हैं वो भी स्पष्ट करने की जरूरत है। ऋण मुक्ति के लिए कंपनियों के ऋण से मुक्ति और किसानों की क्यों नहीं, ये सवाल है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला इस पर आया है उसमें राज्य सरकारों को भी पूर्ण अधिकार है, और जहां जहां डेट रिलीफ एक्ट है वहां वहां ब्याज के दर से लेकर ऋण मुक्ति तक की बात राज्य सरकार खुद होके कर सकती है, ये बात स्पष्ट हो गई है। उसके बारे में अब कोई संदेह नहीं कि चक्रवाड़ ब्याज से ही किसानों को कर्जा दिया जाए और उस ब्याज के चक्रव्यूह में वो फंसते जाए। तो इसके होते हुए भी जो दो विधेयक, दो बिल्स किसानों के तमाम संगठनों ने मिलकर बनाए हैं, उन बिल्स को आपने देखा ही होगा, हर एक तक पहुंचे हैं, आप उस पर भी अपना स्पष्ट रुख अपनाए और इस संसद में या अन्य आगे वाली संसद में सही, पर इस पर आपका कड़ा संघर्ष या हंगामा जो वो कहते आए हैं वही पर हो, और किसानों का जो आक्रोश पूरे देश भर उभर आया है उसमें ये दो मुद्दे जो बहुत महत्व के हैं, जिसको आप अन्ना हजारे जी भी परसों से लेकर रामलीला मैदान में बैठ रहे हैं, तो जरूरी है कि भूमि अधिकार आंदोलन ने इतने सालों से जो बात उठाई है उस मुद्दे को लेकर अभी अभी देश भर का आक्रोश आपके वक्तव्यों में, आपके हलचल में, आपके कार्यक्रमों में हर जगह प्रतिबिंबित होता रहे, आंदोलन में तो होगा ही। हम ये भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से खेती और पशुपालन पर हमला है वो हिंसा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, एक आतंकवाद जो दलितों और माइनॉरिटीज जिनको कहते हैं पर जो सर्वधर्म समभावी है उनके ऊपर हो रहा है, उसमें एकाध केस में झारखंड में अगर कहीं सजा हुई है तो बाकी जगह अपना रेगुलर क्रिमिनल एक्ट भी अमल में नहीं लाए जाना इस देश के लिए, हम सब के लिए लज्जास्पद बात है। और इसके लिए भूमि अधिकार आंदोलन में पहल करते हुए
हरियाणा राजस्थान में जहाँ जहाँ जांच करके आज रिपोर्ट प्रकाशित की है उसको आगे बढ़ाते हुए हम ये चाहेंगे कि तमाम राजनीतिक दल अब दो संसदों के बीच में भी जितना समय मिलेगा उस समय में उन सब के यहाँ पहुँचने की बात ही केवल नहीं, जो लीगल एक्शन को आगे बढ़ाकर जो बेल आउट हुए हैं कल्प्रिट्स उनको भी सजा दिलाने के लिए जंग जंग छेड़ ले, ताकि केवल झारखंड में नहीं सभी जगह इस हिंसा में सम्मिलित होने वाले जेल में जाए बिना भेजे बिना नहीं रहेंगे। इस हिंसा को उजागर करते हुए हम लोग जान रहे हैं कि रोजगार के साथ भी जो आतंक पैदा किया जा रहा है उसको उजागर करना जरूरी है। मैनिफेस्टोज में हर बार चुनाव के तमाम राजनीतिक दलों के रोजगार मुद्दा होता ही है, पर आज की सरकार विशेषतः रोजगार मुद्दा बना रही है, जबकि बेरोजगारी इसके कारण मात्र पशुपालकों को हमले के कारण भी कितने सारे व्यवसायों के तरह बेरोजगारी भुगती जा रही है इसका एक अंदाजा और पूरा हिसाब भी नहीं है। हमको वो हिसाब सामने लाना और राजनीतिक दलों में ये बेरोजगारी के पक्ष में सरकार है इसको साबित करना बेहद जरूरी है। माइनॉरिटीज पर हमला एक बाजू और दूसरी बाजू हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी के राज्य में सैकड़ों ढोर एक ही स्थान से निकलते हैं जो कत्तर खाने की तरह भेजे जाते हैं। गांधीवादियों ने कत्तर खाने के समय सामने कितने सालों तक हमला किया। हम सब लोग गौमांश खेती के लिए जरूर बचाना चाहने वाले लोग हैं, जिसके साथ जैविक खेती जुड़ सकती है, जिसके साथ आज के हाइब्रिड पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का हमला रोकने की क्षमता पैदा की जा सकती है, लेकिन सरकार का उसके लिए कोई प्रमोशन न होते हुए वो मात्र गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिशों के समय में ये भेदभाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया मुद्दा था। हम इसका धिक्कार तो करते ही हैं, पर आपसे ठोस कार्रवाई चाहते हैं। अभी संसद बजट पर भी चर्चा नहीं लेती है तो अंदर कितना समय और कितना मौका मिलेगा हमें पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जैसे इंद्रोन के खिलाफ की लड़ाई लड़ी गई वैसे ये लड़ाई भी इन तमाम मुद्दों पर, जिसमें लिंचिंग मॉब लिंचिंग ही नहीं है, लिंचिंग ऑफ मासेस एक प्रकार से हो रहा है, मासेस की कत्ले आम हो रही है, चाहे वो दलित हो आदिवासी हो प्रकृति पर जीने वाले तमाम समुदाय हो, और उसके कारण पूरा अर्थनीति में बदलाव लाकर राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने की बात चल रही है, जिसको त्रिपुरा के चुनाव के बाद जो भयावह स्थिति पैदा होगी ऐसा लग रहा था उसको फिर मुंबई के जुलूस में एक चुनौती देकर अपनी ताकत दिखाई है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो भी चुनावों में बिहार में जो भी चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उससे भी कुछ आशा बंधी है कि आखिर झूठापन झूठा प्रचार फेक प्रॉमिसेस और आश्वासन नहीं चलेंगे। ये इनकी हिंसा इनकी हिंसक आतंकवादी राजनीति उजागर हुए बिना नहीं रहेगी, और लोग जन आंदोलन तो आगे बढ़ाएंगे ही, पर हम राजनीतिक दलों को भी चाहते हैं कि वो हमारे बीच ही रहे और हर जगह पहुंचे और आज अपनी भूमिका रखते हुए अगले संसद के सत्र के लिए भी पूर्ण तैयारी करें। कई मुद्दे तो ऐसे हैं कि आज ही उठाना जरूरी है, तो इसी संसद के बचे हुए दिनों में भी अगर हंगामा खड़ा करेंगे तो हम लोग बाहर से आपके साथ रहेंगे, ये विश्वास भी हम दिलाना चाहते हैं। जिंदाबाद। थैंक यू मेरा ताई, भूमि अधिकार आंदोलन की ओर से हमारे जो